चाइना ने कोरोना पर कैसे जीत हासिल की। सिंगापुर और हांगकांग ने कोरोना को कैसे दी मात। क्या टेक्नोलॉजी से कोरोना का खात्मा तय है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के कहर ने इस वक्त पूरी दुनिया में कोहराम मचाकर रखा हुआ है। कोरोना का कहर इस वक्त अपने चरम पर है। दुनिया के सभी देश इस वायरस को खत्म करने के लिए अपने स्तर पर नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस कड़ी में चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी की सहायता से इस वायरस को मात दी है। भारत भी इस तकनीक के इस्तेमाल में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके रिजल्ट भी शानदार आ रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर इन देशों ने कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। यहां सरकार ने 14 दिन की क्वारंटाइन पॉलिसी को कारगर साबित करने के लिए सभी अपार्टमेंटों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। इसके अलावा चाइना में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया जो लोगों से मास्क पहनने की जानकारी सरकार तक पहुंचा रहा है। किसी व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए मोबाइल एप्स पर डिजिटल बारकोड दिए गए हैं। चीन सरकार ने देश के दो बड़े इंटरनेट दिग्गज अलीबाबा और टेसेंट को हेल्थ कोड सिस्टम को अपने पॉपुलर फोन एप्स पर पोस्ट करने के निर्देश दिए। गौर करने वाली बात यह है कि अलीबाबा का ऑनलाइन पेमेंट अली ऐप और टेसेंट का मैनेजर ऐप चाइना में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ऐप हैं। हेल्थ कोड के लिए नागरिकों को अपनी जानकारी देनी होती है और अपना नाम, राष्ट्रीय की पहचान या पासपोर्ट नंबर और साइन अप पेज में फोन नंबर देना होता है। इसके बाद इनके कोविड-19 के संपर्क में आने से जुड़ी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा इसमें कोरोना के लक्षण जैसे जुखाम, तेज बुखार, सूखी खांसी, बहती नाक और गले में दर्द या डायरिया जैसी जानकारी को बॉक्स में टिक करने को कहा जाता है। अधिकारियों द्वारा हर जानकारी को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद हर यूजर को एक बार कोड दिया जाता है। लाल रंग के कोड वाले यूजर को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। उन्हें सरकारी क्वारंटाइन में रहना होता है, जबकि दूसरे कोड वाले को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहने दिया जाता है। वहीं ग्रीन कोड वाले शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं। लॉन्च होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अली पे 100 से ज्यादा शहरों में हेल्थ कोड दे चुका है। फरवरी के आखिर तक 200 से ज्यादा शहरों में QR कोड जारी कर दिया गया था। चाइना ने कोरोना को मात देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया। यह रोबोट होटल से लेकर ऑफिस तक में सफाई का काम करते हैं। वहीं आसपास की जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव भी करते हैं। वहीं चीन की कई हाईटेक कंपनियां भी रोबोट का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में करती चली आ रही हैं। अब बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग में कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर स्मार्टफोनों से लिंक कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन वाली जगह को छोड़ता है तो अधिकारियों को इसका अलर्ट मिल जाता है। हांगकांग ने टारगेटेड आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंस के जरिए कोरोना को कम कर दिया है। हांगकांग ने सीमाओं को सील कर दिया, पुष्ट मामलों में क्वारंटाइन की व्यवस्था की और साथ ही संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस के उपायों को भी अपनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपाय काफी हद तक सफल भी रहे, इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सामने नहीं आई। वहीं दुनिया के दूसरे देश कोरोना के चलते इकोनॉमी समस्या से जूझ रहे हैं। बात करें सिंगापुर की तो यह देश काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने में सक्षम साबित हुआ है। यहाँ की सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सिंगापुर सरकार ने कॉल टुगेदर एक ऐप लॉन्च किया। ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर इससे यह पता लगाया जाता है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में तो नहीं आए। वहीं साउथ कोरिया सरकार ने कोरोना कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल किया। कोरियाई सरकार ने लोगों के क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, स्मार्टफोन लोकेशन, वीडियो के अलावा लोगों से उनकी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया। साउथ कोरिया और सिंगापुर में कोविड-19 के हर मरीज का डाटा कलेक्ट किया गया और इसकी पहचान छुपाते हुए नेशनल डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिया गया। यानी देश का हर नागरिक जान सके कि उन्हें उन जगहों पर नहीं जाना है जहां पर कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप क्रिएट किए हैं ताकि लोगों को भ्रामक अफवाहों से बचा सकें और कोविड-19 की सही जानकारी नागरिकों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जिससे इन देशों ने कोरोना पर जीत हासिल की है और टेक्नोलॉजी को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर कातिल कोरोना के खेल का खात्मा किया है।